अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल स्पेसेस। सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल स्पेसेस के बाउंड्रीज और कंटेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले इसकी लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि जो हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है वो डीप पेरिनियल स्पेस के नीचे मतलब इन्फीरियरली लाई कर रही है। तो इस वाले को हम सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस क्यों कह रहे हैं और जो इससे ऊपर है उसे हम डीप पेरिनियल स्पेस क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि जब भी हम पेरिनियम को एग्ज़ामिन करते हैं तो हम हमेशा नीचे से एग्ज़ामिन करते हैं, ठीक है। हम एब्डोमिनल रीजन से एग्ज़ाम नहीं करते, हम नीचे से एग्ज़ामिन करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हम एक इंसान को नीचे से एग्ज़ामिन कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर हम एब्डोमिनल रीजन से एग्ज़ामिन नहीं कर रहे, हम नीचे से एग्ज़ामिन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ नज़र आएगी? सबसे पहले तो हमें उसकी स्किन नज़र आएगी, ठीक है। स्किन के बाद हमें क्या चीज़ नज़र आएगी? उसके बाद हमें इसकी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी। सुपरफिशियल पेरिनियल ये क्या हो गया है, सबसे पहले इसकी स्किन नज़र आएगी, उसके बाद हमें सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी, उसके बाद पेरिनियल मेम्ब्रेन नज़र आएगी, पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद डीप पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी, और डीप पेरिनियल स्पेस के ऊपर हमें क्या नज़र आएगी, पेल्विक डायफ्राम नज़र आएगा, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम एक इंसान को नीचे से एग्ज़ामिन कर रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम एब्डोमिनल रीजन से नीचे की तरफ नहीं आ रहे, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमें जो लेयर नज़र आएगी वो कौन सी होगी, कोलिस फेशिया होगी, ठीक है। कोलिस फेशिया के बाद हमें क्या चीज़ नज़र आएगी, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, ठीक। सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के ऊपर हमें क्या नज़र आएगी, पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद हमें क्या नज़र आएगी, डीप कौन सी स्पेस हमें नज़र आएगी, डीप पेरिनियल स्पेस, डीप पेरिनियल स्पेस के यहाँ पे ये वाली जो है मैंने क्या कहा है कि ये पेल्विक डायफ्राम है, तो ये वाली जो लेयर होगी ये हमारे पास पेल्विक डायफ्राम के सुपीरियर फेशिया होगा। मतलब क्या है कि सुपीरियर बाउंड्री पेल्विक डायफ्राम की, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, इसका इन्फीरियर फेशिया होगा, ठीक है। अब हम एक इंसान को नीचे से एग्ज़ामिन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसकी पेरिनियल जो स्पेस होगी उसमें हमें पेरिनियल जो उसका रीजन है उसमें हमें दो स्पेसेस नज़र आएगी, एक सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस और एक डीप पेरिनियल स्पेस। अब क्या है कि हम नीचे से एग्ज़ामिन कर रहे हैं तो सबसे पहले कोलिस फेशिया नज़र आएगा, उसके बाद हमें सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के बाद हमें पेरिनियल मेम्ब्रेन नज़र आएगी, पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद हमें डीप पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी, और डीप पेरिनियल स्पेस के बाद हमें इन्फीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम और उसके ऊपर सुपीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम नज़र आएगा, ठीक है। तो अब आपको लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम जो डीप पेरिनियल स्पेस को डीप पेरिनियल स्पेस क्यों कहते हैं और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस को सुपरफिशियल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम नीचे से एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें जो स्पेस पहले नज़र आती है वो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस होती है, उसके बाद हमें डीप पेरिनियल स्पेस नज़र आती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना हो जाना चाहिए कि जो चीज़ हमें इन्फीरियरली हम नीचे से देख रहे हैं तो जो चीज़ इन्फीरियरली लाई कर रही है उसे हम सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस कहते हैं, और जो उसकी सुपीरियर है उसे हम डीप पेरिनियल स्पेस कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं
सुपरफिशियल और डीप पेरिनल स्पेसिस की बाउंड्रीज को। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं सुपरफिशियल पेरिनल स्पेस की बाउंड्रीज। ठीक है, तो अब इसकी बाउंड्रीज हमारे पास क्या होंगी, अगर हम इसको देखें, यहाँ से देखें, तो ये हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है। ठीक, ये वाला सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस हो गया। तो अब आप लोग खुद देखें, इसकी जो इन्फीरियर बाउंड्री है वो क्या चीज़ बना रही है, ये पुलिस फेशिया। इसकी इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, इन्फीरियर बाउंड्री इसकी बना रहा है पुलिस फेशिया, और उसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, सुपीरियर बाउंड्री इसकी बना रहा है पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, बस यहाँ से आप लोगों को अब क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि ये हमारे पास डीप पेरिनियल स्पेस है, और यहाँ पे इसकी इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पुलिस फेशिया, और इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद हम देखते हैं डीप पेरिनियल स्पेस की बाउंड्रीज को। अब डीप पेरिनियल स्पेस को देख के वो कहाँ, ये वाली जगह है। ठीक है, ये अब डीप पेरिनियल स्पेस को कौन, ये वाली हमारे पास क्या हो गई थी, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, और ये वाली हो गई थी हमारे पास डीप पेरिनियल स्पेस। अब डीप पेरिनियल स्पेस को देखें तो इसकी ये इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। इन्फीरियर बाउंड्री इसकी कौन बना रहा है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। डीप पेरिनियल स्पेस की जो इन्फीरियर बाउंड्री है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन बना रहा है, जबकि इसी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की सुपीरियर बाउंड्री जो है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन बना रहा है। ठीक है, तो अब इसकी इन्फीरियर बाउंड्री डीप पेरिनियल स्पेस की पेरिनियल मेम्ब्रेन बना रहा है, और जबकि इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, सुपीरियर बाउंड्री इसका बना रहा है इन्फीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ये हम अगर किसी इंसान को अगर हम नीचे से एग्जामिन करें डाउनवर्ड पोजीशन से, जो चीज़ हमें पहले नज़र आएगी वो हमारे पास क्या होगी, कोलिस फेशिया होगी, उसके बाद सुपरफिशियल में पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी, उसके बाद हमें पेरिनियल मेम्ब्रेन नज़र आएगी, उसके बाद डीप पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी, उसके बाद इन्फीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम, और उसके बाद सुपीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की जो इन्फीरियर बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, पुलिस फेशिया बना रहा है, और इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पेरिनियल मेम्ब्रेन बना रहा है। जबकि अगर डीप पेरिनियल स्पेस की देखें तो इसकी इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पेरिनियल मेम्ब्रेन बना रहा है, और इसकी सुपीरियर बाउंड्री इन्फीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम बना रहा है। इसकी कंटेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।